मेरा और मेरा एनपीपी टाटी तिरुगव की ओर से आप सबको मीडिया प्रेस को नमस्कार, क्योंकि इस माध्यम का जरिए मैं अपना जो दुख इस बार का इलेक्शन में मिला, तो मैं सब व्यूअर्स को मेरा अपना जो सेंटीमेंट्स, पार्टी का सेंटीमेंट्स को मैं व्यक्त कर सकूं, इसलिए थैंक यू सो मच। मेरा राइट साइड में मेरा सीनियर मेंबर श्री ताई घाटुक साहब और मेरा लेफ्ट साइड में मेरा सीनियर भाई भी है मेरा और अंगुंग याइंग जो पायुम सर्कुल का एक जाना माना लीडर। तो आज आप लोग का जरिए मैं अपना ताती तुरुंगों में जो इस बार इलेक्शन हुआ तो बहुत दुख का साथ मुझे ये कहना पड़ा, क्योंकि हमारा हुआ ताती तुरुंगों में वहां में सार कॉन्टेस्टेंट था एक बीजेपी से तालेम ताबो और एक एनपीपी से ताजा बनू और एनपीपी से ताजा बनू और एनसीपी से तहान मिबांग और इंडियन नेशनल कांग्रेस से तालिम याई चार कैंडिडेट हुआ। लेकिन इन चार कैंडिडेट में से तालेम ताबा जो ऑनरेबल एमएलए भी है वो 22 मोलम पोलिंग बूथ से ही बिलोंग करते हैं, उसका ही अपना गांव है। तो उस गांव में उसका डिक्टेटोरियल एटीट्यूड जो जबरदस्ती बूथ दिलाना ये सब को देखते हुए हम बहुत कोशिश किया और हमारा एपीपी पार्टी को वो बहुत इलेक्शन में जो हमारा टाटी तुरुंगोंग में उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 324 एंड आर्टिकल 326 उन्होंने उल्लंघन किया और आर्टिकल 334 भी इन्होंने उल्लंघन किया, इसलिए हम अपना ताटी तुरुंगोंग का एनपीपी की ओर से उनका डिस्क्वालिफिकेशन चाहता है। तो ये चीज को, ये कंप्लेन को हमने इलेक्शन पोर्टल में भी अपलोड किया इलेक्शन कमीशन। विश्व भारती नर्सिंग कॉलेज बेंगलोर, एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2024-25। JNM Nursing, BSc Nursing, D-Pharm, B-Pharm, Amadi, BPT, the admission of Jure. JNM Nursing eligibility, both arts, Amadi science, to give a experience led by faculty senior, state of the art, lepta, hands-on training, period of institution. Akupamaro Vidamak, 9395405659, contact over. India ko, 2 times upload kiya. सिर्फ इलेक्शन कमीशन अरुणाचल प्रदेश को भी ये दिया, जबकि हमारा गवर्नर अरुणाचल प्रदेश को तक हम कॉपी को पहुंचाया और ये कॉपी जो है हमारा रिटर्निंग ऑफिसर ताटी तुरुंगो उसको एड्रेस करके हमने किया और ये कॉम्प्लेन जो आप लोग का सामने हमने जो देखाया ये उनका है। तो इसमें हमने लिखा
an election, an appeal for disqualification of MLA candidate of Sri Talem Tabo for being boot captured at polling station number 22 Molomdere on 19/4/2024, an appeal for immediate arrest and direct violation of Representation of People's Act 1951 under Section 134A and matter of Article 324 and 326 of the Indian Constitution. तो इसमें ऐसा है जो वोट देता है जिसको वोट देना है वो तो फ्री एंड फेयर होना ही है, ये सिस्टम है। फ्री एंड फेयर नहीं हुआ मोलम में, क्या हुआ? वो अपना ही बस्ती में मोलम में खुद अपना खुद शुरू शुरू में 9 बूथ्स कास्ट किया, खुद ही वाज हैविंग 25 नंबर्स ऑफ बूथ टिकट्स, लेकिन प्रेसाइडिंग ऑफिसर उसको अलाउ किया है कंप्लीटली 9 बूथ्स कास्ट करना पड़ा, क्योंकि ऐसा हुआ। ये एक बहुत बड़ा हिस्ट्री भी होगा साइट अरुणाचल में, एक सिटिंग एमएलए ऐसे करता है, वो 9 बूथ्स जो कास्ट किया उस समय में बिजब तीन वो आपका त्रिभुज जब कास्ट होते समय में प्रेसाइडिंग ऑफिसर ने उनको रिक्वेस्ट किया, सर आप ऐसा मत करिए, आप तो लॉ मेकर है, आप जरूर हम आपको रिस्पेक्ट करता है, एमएलए साहब है, ऐसे मत कीजिए। बेचारा रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट करने का बाद ऑनरेबल एमएलए क्या बोलता है, इस गांव का मालिक हम है, इस गांव का कानून अलग है, तुम कौन है बोलने वाला? गवर्नमेंट ऑफिसर को ऐसे बोलता है कोई सदस्य, कोई ये एमएलए ऐसे बोलता है, वो भी रूलिंग में। तो ये बहुत आश्चर्य का बात। तो वो 9 बूथ को 7 बजे से शुरू, जब बूथ कास्टिंग उधर से लेके उस टाइम लगा है 54 मिनट्स टाइम लगा है 9 बूथ कास्ट किया है, और ये सीसी कैमरा में कैद है, जिसको हमारा गुलाटी साहब जो जनरल ऑब्जर्वर वो खुद वीडियो स्क्रीनिंग में, हम भी देखा है, ये सेक्टर मजिस्ट्रेट तामेंगा और देखा है, तरम मुझे जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर देखा है, डीसी जो पीएन टोंगन साहब भी देखा है, और हम भी देखा है, और उनका तलम तबो का अपना इलेक्शन एजेंट तायु जेरांग भी देखा है। तो एकदम विजिबल डिटेल क्लीन है, देखता है। तो इसलिए हम ये इस आप लोग का माध्यम से हम सब अरुणाचल को, सब निवासियों को, सब आदमी को हम ये जागरण देना चाहता है कि जब इलेक्शन एजेंट जब कुछ भी शिकायत देता है रिटर्निंग ऑफिसर, उसको अनदेखा करना कोई रूल होता है? ऐसा तो सिस्टम नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर इज द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो रिटर्निंग ऑफिसर आज तक हमको कुछ रिप्लाई नहीं दिया इसका बारे में, हम बहुत रिक्वेस्ट किया है कि उसको डिस्क्वालिफिकेशन करना है, या तो इलेक्शन कमीशन ऑफ हमारा अरुणाचल प्रदेश जो है उसका बारे में कुछ सोल्यूशन लाना है। वो प्रैक्टिकली हुआ है, अगर इसको नहीं हुआ बोलने से तलम तब इसमें आके बताना है, और वीडियो फुटेज को भी ला के देखा नहीं तो नहीं किया, वीडियो फुटेज को सब देखा है, और उसका गुड आई विटनेस इज मिस्टर पी एन टुंगोन हु इज द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट। तो ये हमारा आई विटनेस है, हम गुड है, और उसका आई विटनेस एक तो है तायु जेरांग जो तलम था वो ऑनरेबल एमएलए का खुद एजेंट है, वो भी खुद देखा है, देख के शोरूम से बाहर निकल गया, उसका बाद फिर आ गया। ऐसा हमारा अरुणाचल में हमारा ताटी तुरुंगो में तलम था वो किया है। और उसका बाद नेक्स्ट एक तो पोलिंग बोट नंबर 24 एक योसिंग बस्ती बोल के एक योसिंग बस्ती है, जहां में गाड़ी भी कुछ भी वहां जाता ही नहीं, हार्डली अभी थोड़ा सा लिंग रोड बनाया जैसे तैसे आदमी पहुंचता है, वहां में अपना पोलिंग एजेंट जो है सारा का सारा वोट दे दिया तालेम ताबो का पोलिंग एजेंट। तो ऐसा कोई बूथ कैप्चरिंग होने से उस आदमी को हम क्या एमएलए बनाएगा, ये हम पूछता है। तो ये तो सिस्टम नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम आप लोग को बता रहे कि आप लोग इसको भी थोड़ा सा चूस के देखिए, हमारा सारा अरुणाचल का आदमी सुनिए,
और आप लोग सुनने से ज्यादा आश्चर्य रहेगा, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं ये गलत होने से कल हमको ये सबूत दिखाना पड़ेगा। ऑनरेबल एमएलए तलमता वो खुद हमेशा नहीं किया, नहीं किया तो विद प्रूफ यू हैव टू शो द फैक्चुअल इविडेंस, फैक्चुअल इविडेंस होना चाहिए। बूथ दिया है कि नहीं दिया है, सीसीटीवी कैमरा में ये कस्टोडियन इस डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर पीएन तुंगोंचा वो लेके सबको देखाना है वो हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको हम ऐसा डिमांड करता है। और उसके बाद हम जो अभी बोल रहा है ये जो बात हम एलिगेशन जो एमएलए साहब को और उसका इलेक्शन एजेंट तायु जेरा को हम लगा रहे हैं, ये एलिगेशन को तायु जेरा इलेक्शन एजेंट वो भी खुद या हमको जवाब देना पड़ेगा। अगर हम बोलती है तो हमको केस रजिस्टर करो, कोई भी सेंटेंस हमको मंजूर है, कोई भी जेल में हम जाए। तो ऐसा हम लोग को आदमी जैसा नहीं ट्रीट करके एनटीपी पार्टी को बहुत तकलीफ से ऐसे किया है। सो तालमताओ का जो प्री एंड फेयर इलेक्शन जिसको इन्होंने प्री एंड फेयर इलेक्शन का ये में जो काम किया, क्या इज इट द वे ऑफ डेमोक्रेसी, इज दिस द वे ऑफ चूजिंग इलेक्टेड बूथ लीडर, वो ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए इसका ऊपर में हम अपना ये सारा अरुणाचल का अपना हम जैसा वाला गरीब आदमी, सब गरीब आदमी हमारा साथ दीजिए, हमारा फ्रेंड सर्कुल जो है जो वेल विशर जो अच्छा सोचता है, हम तो अगर गलती बोलता है तो मान हम गलती है, लेकिन हम सोचता है कि हम राइट है, 100% राइट है जो एमएलए की है उसको हम यहाँ हाईलाइट करता है। तो इसलिए आप सबको हम रिक्वेस्ट करता है, और इस केस में हम अपना हाई ऑफिस को आप चाहे जैसे हमारे एनपीपी का जो हाई ऑफिस है अरुणाचल प्रदेश का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी अध्यक्ष, तो इट इज माय ऑनेस्ट अपील टू देम आल्सो टू हेल्प अस इन दिस मैटर। आप लोग भी थोड़ा सा साथ दीजिएगा और साथ देगा होगा बोल के मैं आशा करता हूँ। और उसका बाद अपना मुख्यमंत्री हमारा स्टेट गवर्नमेंट जो बीजेपी के हैं इनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका जो एमएलए ऐसे ही बूथ कैप्चरिंग करके ऐसे ही गुंडागर्दी करके अच्छा करेगा और डेवलपमेंट को उल्टा बैकवर्ड में ले जाने वाला, जैसे हमारा बिंगुंग टू बोंगने वहां में 39 करोड़ 10 लाख आया था लास्ट ये बिफोर हिज हैविंग वो जब एमएलए नहीं बना उस समय से 39.10 लाख वो रिकॉर्ड में है, वो पैसा आया था, टेंडर भी हुआ था, एमएलए आके बंद कर दिया, अभी रास्ता नहीं बना रहा है, रास्ता ही नहीं बना है, अभी बंद हो गया। और जो टागा साहब जो मंत्री था आप लोग सुना होगा, तानो टागा जो मंत्री था वहां में गाई का सेक्टर रोड बनाया था 30 करोड़ 15 करोड़ का, उसको भी नहीं बनाया। तो हम खंडू साहब लोग को हम ये पूछता है तलमता वो जैसा एमएलए को आप साथ में रखेगा और अच्छा काम होगा, जो आपका डेवलपमेंट जो यहाँ से आता है उसको पीछे ले जाने वाला एमएलए को और जो आदमी का बूथ को कैप्चर करके जबरदस्ती मारता है जिसको आदमी नहीं चाहिए वो ये होगा, वो आपका सर अरुणाचल प्रदेश का स्टेट बीजेपी सरकार का साथ में तलमता वो की अच्छा काम करेगा। और जो एमएलए अपना फॉर्म 26 में जब नॉमिनेशन बोला था उसमें उसका बीवी सार तो है, उस बीवी सार में वो उसका बच्चा 8 to 9 ही सेविंग 8 to 9 सोल्स एंड डॉटर्स, उसमें वो फॉर्म 16 अभी अवेलेबल है, यहां भी हम लेके आया है, उसमें वो क्या लिखा है, एक बीवी है उसका और एक लड़का एक बच्चा है उसका, ऐसे आदमी क्या झूठ बोलने वाला आदमी क्या खांडू साहब का साथ टिकेगा। सच्चाई से गवर्नमेंट चलाना है तो सच्चाई आदमी को साथ में रखने चाहिए, ऐसे एमएलए उल्टा फुलटा वाला एमएलए जो अपना सब चीज मतलब उल्टा फुलटा करके जो बूथ कैप्चर करके आएगा यहाँ, क्या वो आपके आपका गवर्नमेंट के लिए अच्छा काम करेगा। तो इट इज माई ऑनेस्ट रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ऑल्सो, आप लोग भी ए जैसा आदमी को आपको रखेगा ना एक दिन आपको कीड़ा खाएगा, आपका गोर गिरेगा, ऐसा आदमी को कभी साथ में नहीं रहना है, नहीं लेना है, टिकट कैसे दिया मालूम नहीं, ये भी नहीं देना था, तो ऐसा हमको लगता है। तो इसमें सब मेंशन किया है, सब का साथ है, ये एफिडेविट है उसका, चार बीवी को एक बीवी लिखने वाला एफिडेविट इधर है,
ये भी गलत है, तो लेथिन चैलेंज भी। और ये जो उन लोगों ने किया है जो 324 एंड 326, इसको भी ये दीजिए। वन वो क्या किया है 153 आर्टिकल 153 ए और उसमें सेक्शन 171 एफ, वो एफ ऐसा हुआ है उसका पोलिंग स्टेशन में शुरू शुरू में गंडोगोल हुआ। गंडोगोल होने का बाद हमको रिपोर्ट, हमारा इलेक्शन एजेंट अभी हम यहाँ लाया तो इलेक्शन एजेंट हमको फोन किया, सर ऐसा हो रहा है यहाँ गंडोगोल होगा। तो हम दौड़ के आया, आई हैव कवर्ड 80 किलोमीटर्स टू रीच दैट प्लेस बिकॉज इट इज ऑल्सो रिमोट प्लेस, मोलम वो भी रिमोट प्लेस है। उसमें हम आया तो देखा है, तो हम आया आके गंडोगोल तो सुबह सुबह वो जो एम एल ए सर पास 20-30 बूथ जो लेके आया उसमें गंडोगोल हुआ था। उसका बाद वो निकल गया, उसका बाद हम आया तो हमको उसका जो पोलिंग एजेंट है हमको यहाँ से हाथ से खींच के एक तो बाहर धकेल करके बाहर निकाल लिया। तो ये बाहर निकालने का बाद हमको ताजीब लगा, अरे हम तो इलेक्शन एजेंट है, इलेक्शन एजेंट तो कहीं भी जा सकता है एनी पोलिंग स्टेशन में, वो भी कुछ उल्टा पुलटा बोलने के लिए नहीं, शांति से वोट दीजिए, जीत हार तो होता ही है इलेक्शन में। ये ओनली दिस इज द मैसेज विच माई इंटेंशन टू विजिट दैट प्लेस। और इन क्या देखा है कि हमको आने का बाद हमको किसके बाहर निकाला, कोई ऐसा डेमोक्रेसी में सिस्टम होता है जो मैंने बीजेपी का ही इलेक्शन एजेंट अंदर आता है तालेम तबका बस्ती में और बाकी आईएनसी का भी मौत आओ दूसरा भी मौत आओ बोल के ऐसा कुछ रूल है? ये सब कारोबार तालेम तबका इंस्टिगेशन से किया है, ये करने वाला उसका पोलिंग एजेंट है। तो हमने ये चीज को आर ओ रुंगो एट दैट टाइम मिस्टर केशांग गोइबा एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर बोलूंगो, तो उसमें हमने सर को बोला अरे साहब को, सर देखिए हमको किसके बाहर निकाला, बूथ से हमको बाहर निकाला, हम तो इलेक्शन एजेंट का ड्यूटी निभाने आया था। तो एमएलए साहब का ऐसे ऑफिस पोलिंग बूथ से हमको बाहर निकाला है, तो अरे साहब आश्चर्य लग गया, अरे ये कैसे ऐसे कर रहा है बोल के। बेचारा वो एक बीमारी आदमी है, वो भी कांप गया, ऐसे नहीं होना चाहिए, तो बहुत बड़ा गंडगोल होगा। हम बोले सर ऐसा कोई रूल है क्या? बोला नहीं नहीं ऐसा रूल नहीं, रियल रूल नहीं है, तो रजिस्टर करके वो लड़का को अरेस्ट कर। तो क्या किया है, वो लड़का को अरेस्ट नहीं किया, तालेम तबका स्टाइल आप लोग सब सुनिए, वो अरेस्ट नहीं करके कल हमको थाना में बोलाया, उल्टा हमको रजिस्टर किया केस। हम क्या गलती किया है उसका बस्ती का पोलिंग बूथ में जाके, हम क्या गलती किया, उल्टा केस हमको रजिस्टर किया, जिसको हम रजिस्टर करने के लिए एफआईआर लिखा है 19 का पोलिंग दिन का शाम को हम इट वॉज अराउंड 5:30 to 6 लाइक है, तो उसमें हमने एप्लीकेशन लिखा है उसको अरेस्ट करो, हमको ऐसा किया है, उसको या तो इंट्रोगेशन में पुलिस लीजिए बोला, उल्टा उसको छोड़ के पुलिस लोग भी क्या किया है, मेरा एफआईआर को कहाँ रख दिया मालूम नहीं है, उल्लू का एफआईआर जो 21 में आया उसको एक चेक करके कल हमको थाना में बोला, ऐसा कोई नियम होता है क्या उल्टा? ये हमारा मीडिया फ्रेंड्स भी सुनना बहुत जरूरी है, सारा अरुणाचल में ऐसा नियम उल्टा उल्टा जाएगा तो कल को हमारा अरुणाचल बचेगा? कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए बहुत दुख का साथ हम ये कहना है अब लोग का सामने। और देखिए हम एज ए मैसेल इस करमूर जरंग, हम एनडीपी का इलेक्शन एजेंट है और हम भी फ्रॉम स्टूडेंट लाइफ, मेरा बहुत हम भी सीनियर है, मेरा बहुत दोस्त है यहाँ अभी मोत्री में भी मेरा साथ बहुत है, मेरा दोस्त है। तो हम एक्चुअली आई वॉज ए टीचर, तो हम जब भी हम क्लास में टीचर होके आता था, अच्छा नेता बनो, अच्छा डॉक्टर बनाओ, अच्छा इंजीनियर बनो, कल को अरुणाचल, कल को हमारा समाज अच्छा हो, भविष्य अच्छा हो, यंग जेनरेशन और ये स्टेट सुंदर हो, देट वॉज माई इंस्पिरेशन टू द स्टूडेंट्स व्हेन आई वाज अ टीचर। लेकिन यहाँ आके देखा है तो प्रैक्टिकल फील्ड में आके देखा है तो ऐसे गुंडागर्दी कौन सा स्कूल से पढ़ा होगा, इंजीनियर था बोलता है लेकिन कौन सा स्कूल से एजुकेशन लिया होगा, जो सर बीबी को छोड़ के एक बीबी लिखा है, जो 8-9 बच्चा को छोड़ के 1 छोड़ लिखा है,
जो यहाँ का गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एमएलए को थे, इसको लेके 5 साल हो ये किया है, उसको भी यहाँ में आप लोग देखे देखे बाद में, ये तो बाद में हो, तो ऐसा ऐसा आदमी को भी क्या छोटा अच्छा बन सकेगा? ये ऐसा आदमी अगर एमएलए सारा 60 असेंबली कलमता वो जैसा होगा तो क्या हम लोग का अरुणाचल सर्वाइव होगा? नॉट पॉसिबल। तो इसलिए हम ये चाहता है कि हमारा स्टेट गवर्नमेंट भी यहाँ में इन्वॉल्वमेंट हो, और यहाँ में सरकार जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से लेके इलेक्शन कमीशन जो हमारा यहाँ अरुणाचल में है, हम लोग सुनिए, हमको चैलेंज करिए, कायू जेरांग और तलम तब हमको चैलेंज कीजिए, इफ आई एम रॉन्ग। अगर हमको वो दोनों चैलेंज नहीं कर सकता है तो तलम तब को डिस्क्वालिफिकेशन करना बहुत जरूरी है, दिस इज आवर डिमांड। अगर इसको नहीं मानते तलम तब का पेपर में अभी का जैसे उल्टा केस हमको उल्टा लो, हम एफ आई आर दिया हमको उल्टा पुलिस समन करना है, जैसे तलम तब को सेफ करेगा तो हम तटी तुरुंगों का एमपीपी छेन से बैठेगा नहीं, शांति से बैठेगा नहीं। दिस इज माई वार्निंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन, एक्शन लीजिए, गलती है तो कर्मूर जिला को भी अरेस्ट करके कालताना में डाल दो, आई एम रेडी। अगर हम गलत बोलता है तो हमको अरेस्ट कर, और उन लोगों को सही है तो व्हाई यू आर नॉट कीपिंग मम ऑन द इश्यू ऑफ तालेम तबो रिगार्डिंग क्रॉसिंग ऑफ आर्टिकल 324 एंड आर्टिकल 36, हु इज ही? आई एम टू आस्क दैट वेदर देयर इज ए लॉ इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट एन एमएलए और एन एमपी हैज ए सेपरेट लॉ, व्हिच दे आर नॉट अंडर द कस्टडी अंडर द रूल ऑफ लॉ। क्या लॉ में नहीं है एमएलए मिनिस्टर? क्या गरीब आदमी के लिए लॉ होता है? धोनी को नहीं होता है? इज दिस द वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? ऐसा गवर्नमेंट होगा? तो इसलिए आरओ रुंगोंग जो अभी एक कंपाउंड का एडीसी है, आरओ रुंगोंग मिस्टर रिबा करके है, और उसके बाद डुंगोन चाप है जो डीसी साहब है, ही वॉज माई क्लास फ्रेंड ऑल्सो गुड फ्रेंड, स्टिल वी आर गुड इन विदिन आवर सेल। लेकिन ये तलेम तब का केस का इशू में क्यों सूख रहा है, क्यों दुख हो रहा है? तो हम आप लोग को भी ये पूछता है कि क्या एमएलए का रूल आप लोग का एमपी डेप्यूटी कमिश्नर लोग का साथ में और आरओ लोग का एडीसी का साथ में, क्या एमएलए का कुछ रूल उल्टा बना के दूसरा ऐसा है बोल के कोई सिस्टम है? अगर ऐसा है तो हमको आप लोग भी दिखाइए, अदरवाइज ही शुड बी डिस्क्वालिफाइड। और डिस्क्वालिफाइड नहीं होगा, आई एम नॉट गोइंग टू रेस्ट, हम बैठेगा नहीं शांति से। अगर आप लोग हमारा इस रूना, हम जो आपको जो मेरा जो दुख को आपको हम बता रहा है, इसको अगर आप नहीं सुनता है कल को, यू आर एलिजिबल टू बी इन द बार ऑफ द लॉ। हम एडमिनिस्ट्रेटर लोग को भी ये बोलता है, अगर हम गलत बोलता है तो आप लोग हमको आप लोग ही हमको अरेस्ट करो, हम राइट बोलता है तो तालेम ताबो को और तायू जेरांग जो इलेक्शन एजेंट है वो दोनों को क्यों बचाएगा? और डीसी को क्या, डीसी को जीएम में भेजा है तालेम ताबो को बसाने के लिए, या ये रिबा साहब को आरओ बनाया कि तालेम ताबो का जो कमिटमेंट कमिटमेंट उसको छुपाने के लिए? योसिंग में जो 24 पोलिंग बूथ योसिंग विलेज में जो एक ही आदमी साइन करके जो सिग्नेचर किया, वो सिग्नेचर किया हुआ रजिस्टर को निकालो बोल के उसको देखो बोल के बोलने से भी चुप हो जाता है, क्यों चुप हो जाता है? ये हम समझ में नहीं आ। इसलिए आरओ रुंगोंग आपको हम अभी इसी माध्यम से अभी दोबारा रिक्वेस्ट करता है, प्लीज ओपन द वोटर लिस्ट सिग्नेचर रजिस्टर ऑफ योसिंग विलेज विद इन योर जुरिस्डिक्शन, दिस इज बींग साइन बाई ए सिंगल पर्सन हु बिलोंग्स टू बीजेपी ग्रुप ऑफ तालेम ताबो, तो इसको भी आप निकालना पड़ेगा। और नहीं निकालेगा तो, अगर निकालने का बात अगर उसमें हम गलत बोल रहे हैं तो ओके हम जेल जाएगा, अगर वो हमें सही है तो तालेम ताबो डिस्क्वालीफाई होगा, होना चाहिए। ये हमारा आप सब से विनती है, और आप सब मीडिया प्रेस को बहुत अच्छा लगा हमको ऐसा कम से कम अपना दुख को एटलीस्ट हाईलाइट करने के लिए टाइम दिया, थैंक यू सो मच सबको। और हमारा अरुणाचल का जितना आदमी है उन सबको भी
हम जैसा जो कॉन्स्टिट्यूशन में दुख जो मिलता है वो मिलने वाला पार्टी को भी हमको साथ दीजिए बोल के मैं अपील करता हूँ। साथ साथ मेरा जो स्टेट गवर्नमेंट जो वाइब्रेंट गवर्नमेंट चला रहा है बेसरा, जो लास्ट 5 ईयर्स में जो सरकार अच्छा चलाया, तो ऐसा ऐसा MLA तालेम तब जैसा MLA आप साथ में रखेगा तो देश क्या होगा। और आपका ताती तुरुंगोंग जो रुमगोंग में शांति जगह था हमेशा वहाँ में बीजेपी का कैंडिडेट लॉयलिस्ट था, आज वहाँ का कैंडिडेट का अगेंस्ट में हम जो बोल रहे हैं ये तो कभी शायद हमारा हिस्ट्री में ताती तुरुंगोंग से आदमी कभी भी रूलिंग MLA को अगेंस्ट में ऐसा कभी नहीं बोला। हम इसलिए बोला क्योंकि 100% 1% आई एम राइट, इसलिए बोल रहे हैं। इसलिए तालेब तबो का मेंबरशिप को बिफोर काउंटिंग ऑफ वोट्स उसको डिस्क्वालीफाई करना है और करना ही पड़ेगा, और नहीं करेगा तो आई एम गोइंग टू द अपर हाउस। हम कहा में पूछना है पूछे, छोड़ेगा नहीं। तो इसलिए आप भी सोचिए, गरीब आदमी को पे किए, अच्छा MLA को बनाइए, अच्छा MLA को आप जाति बाई करिए, जिसको आदमी अच्छा पाता है, जिसका साथ आदमी रहना चाहता है, जिसका साथ समाज का कल्याण होगा, उस आदमी का साथ आप साथ दीजिए। ऐसा ना हो कि सूरी डकैती वाला जो हमारा अभी पाइम सर्कुल में सारा जंगल को बेच के अभी भी टेम्पा इश्यू होके केस भी उसका साथ है अभी भी, तो उसमें 2-3 पंचायत मेंबर साथ में, वो सब तो हम बोलेगा नहीं, बहुत बहुत है बोलने के लिए, नेक्स्ट टाइम में फिर मिलेगा फिर बोलेगा। और आप लोग अभी मीडिया फ्रेंड्स को मेरे स्पीचर रिक्वेस्ट है कि अरुण भूमि बोल के और जो जितना है मीडिया फ्रेंड जो है अभी तालेम तब का गौर तो नाहौल लोगों में है, जाके उसको पूछिए, नाहौल लोगों डी सेक्टर सी सेक्टर है वहाँ में है, उसको लाइए पूछिए कर्मूर जरा आपको एलिगेशन ऐसा लगा रहा है ये रोग है कि राइट। उसका बाद और डी सी सी को आप लोग जाके पूछिए।